ऑल राइट योर सर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से फ्री फायर के कॉर्नर गेम प्ले में। तो जहां हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर में रैंक मैच, हीरोइक में, हीरोइक मतलब हीरोइक में पहुंच के हम लोग यहां पर रैंक मैच खेलने वाले। देखते हैं इस मैच में हमारा प्लस लगता है या फिर माइनस। तो इस वीडियो में आपको मज़ा आएगा, तो देखते रहना वीडियो को एंड तक और चलते हैं गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो मेरे तीन दोस्त हैं वो आलोक हैं, एक हमारा बंदर है, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर जो हमारा फेवरेट मैच मैप आ चुका है जिसका नाम है बरमुड़ा। तो इस बरमुड़ा को जल्दी से खेलते हैं और देखते हैं कि इस बरमुड़ा मैच में हम इस मैच में प्लस लगा पाते हैं या फिर माइनस। तो यहाँ से मैं जाके थोड़ी वैल्यूम धीरे कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे गेम प्ले में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जो मेरे दोस्त लोग हैं वो कह रहे हैं कि चलो पीक चलो, तो मैंने कहा ठीक है पीक चलते हैं और देखते हैं कि इस पीक में हम लोग क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं पीक में इस बड़े वाले घर के पास, तो देखते हैं हम लोग इस बड़े वाले घर के पास उतर पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ आ चुके हैं, यहाँ पर आलोक दुबे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पीक में। तो ये कह रहा था बगल में एक बंदा उतरा है, मतलब बगल में एक स्क्वाड उतरी है, तो मैंने कहा जल्दी चलो सामने वाले घर में। तो हम और आलोक दुबे जा रहे हैं सामने वाले घर में, तो कह रहा है कि ये वाले घर में एक बंदा जा रहा है, तो इसको जल्दी से मारते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर भाग के जा रहे हैं जल्दी से और यहाँ पर गन ढूंढते हैं। यहाँ पर तो बैग वैग पड़ा था, यहाँ पर हेलमेट पड़ा है, देखते हैं कोई गन मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे P90 मिल चुकी है, इसको जल्दी से उठाते हैं और जाते हैं इस बंदे को मारने। सामने यहाँ पर मेरे दोस्तों को बंदे मार रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ दो मिनट में, ये बंदा इसको जल्दी से मारते। तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया, इस बंदे को फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं कोई कवर में अच्छी गन लूटने। तो यहाँ पर मेरे दोस्त लोग आगे वाले घर जा रहे थे, मैंने कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो आगे चलते हैं इस वाले घर में, तो ऊपर इस घर के ऊपर एक बंदा है, तो चलते हैं ऊपर इस बंदे को मार के आते हैं। तो मैं डरता नहीं हूँ रस करने में। तो यहाँ पर इस एक बंदा इसका नॉक है, इसको जल्दी से फिनिश मतलब नॉक करते हैं और इसको जल्दी से फिनिश करते हैं और इनसे लूट करते, देखते कोई अच्छी खासी गन मिल जाए। तो लूट, इनके पास गोली थी, कोई अच्छी गन नहीं थी। और जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी P90 उठा लेता हूँ, वही मैं ज़्यादा अच्छी चला पाता हूँ। अरे बंदा क्या बंदा, अरे हेड पड़ा, मर गया, नॉक हो गया। अरे दूसरा बंदा इसका, ओ भाई साहब मैंने इसके हेड ही हेड बजा दिया दोनों, एक के थोड़ा हेड पड़ा था, इसके पूरा हेड ही हेड बजा दिया। तो यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड को रिवाइव देके इन दोनों को जल्दी से फिनिश कर देता हूँ और आगे चलते हैं, देखते हैं और बंदे आए हैं पीक में या फिर नहीं। तो यहाँ से मैं इस शॉटगन को हटा के कोई अच्छी सी AR ले लेता हूँ थोड़ी लॉन्ग रेंज की, और अपने दोस्त से स्कोप मांगूंगा, स्कोप ले गया था या फिर ढूंढ लूँगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इस ड्रोन को चालू कर देता हूँ कि देखता हूँ कोई बंदे वंदे हैं नहीं है या फिर नहीं। तो मैं जल्दी से शॉटगन को हटा देता हूँ क्योंकि मैं शॉटगन मुझे वाली नहीं अच्छी लगती, बहुत बेकार शॉटगन चलती है वाली। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑग लिया हूँ, तो यहाँ मेरा ऑग और P90 का कॉम्बिनेशन है गन में। तो जल्दी चलते हैं एक नंबर के पास, उसके पास वो भी ड्रोन अपना चालू कर दिया। तो उधर साइड चलते हैं, देखते हैं कोई बंदे हैं या फिर नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर बंदों को रिवाइव किया जाता है वहाँ पर, क्योंकि हमारा जो नाजिम फ्रेंड है वो निपट चुका है, उसको जल्दी से हमको रिवाइव करना है। तो मैं दिल की जगह हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि दिल में जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं आगे शॉपिंग सेंटर में, तो देखते हैं वहाँ पर कोई बंदे हैं या फिर नहीं। तो आलोक दुबे के साथ मैं जा रहा हूँ उस सेंटर में जहाँ से हम लोग को रिवाइव करना है। यहाँ पर देख लेते कोई गोली वोली मिल जाए गन की, पहली बात तो गोली है और इतनी ज़्यादा नहीं, पर मुझे वेस्ट मिल गई लेवल 2 की, वो भी सही बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमको अपने नाजिम फ्रेंड को रिवाइव करना है। दुबे क्या वो बंदे दिखे क्या? तो दुबे को यहाँ पर अभी कोई बंदे दिखे हैं शायद, तभी ऐसे देख रहा था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या नाम है, आप बंदे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ फॉरेक्स पड़ा है, फॉरेक्स जल्दी से उठा लेता हूँ। मैं और आलोक की लड़ाई हो गई है, तो मैंने यहाँ उठा लिया, मैं इस लड़ाई को जीत चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पर फॉरेक्स मिल चुका है, अब देखते हैं आप कोई बंदे हैं तो उनको मारते हैं। पहले तो नाजिम को रिवाइव करते हैं, फिर देखते हैं कोई बंदे आए तो इनको मारा जाए। तो अभी यहाँ पर कोई भी बंदे नहीं है और मुझे यहाँ पर ग्रीन एक्स मिल चुका है, तो मैं इसको ग्रीन एक्स कहता हूँ क्योंकि ये ग्रीन कलर का रहता है। तो इसमें अरे आगे बंदे क्या हो, वहाँ पर बंदे हैं क्या? तो यहाँ ग्लू वॉल लगी, मतलब यहाँ पर कोई बंदे, पीछे मारा
इधर ग्लूबल लगाता हूँ और पीछे से मार रहा है, इधर से भी ग्लूबल लगा, मेरे यहाँ पर 1 HP बची है और सामने मेरा आलोक फ्रेंड मिल निपट चुका है। और यार और ओ भाई मेरे पास 1 HP है केवल और सामने पीछे से मेरे बंदे मार रहा है। तो मुझे नाजिम के पास जाना चाहिए, नाजिम के पास सेफ रहूँगा मैं। तो यहाँ से मैं क्या नाम है, हेल्थ वेल्थ भी नहीं, नाजिम से मांग रहा हूँ, नाजिम कह रहा मेरे पास भी हेल्थ नहीं है। सामने बंदा मैं इसको, अरे यार नॉक कर दिया मुझे, नाजिम बचा ले, मार इसको, नाजिम मार, नाजिम मार, मेरे पास आके मुझे नॉक कर देगा, मतलब फिनिश कर देगा। तो मुझे यहाँ पर ये बंदा फिनिश कर दिया है पूरा। तो देखते हैं नाजिम फ्रेंड हमारा रिवाइव कर पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो किंग भाई है वो भी आ रहा है नाजिम की तरफ कि नाजिम को थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दे दिया जाए। तो यहाँ पर नाजिम खड़े हुए हैं, पता नहीं सेब खा रहा नहीं, इसको इनहेलर ले रहा है, मतलब सांस ले रहा है, इनहेलर मतलब सांस ही होता, सांस लेने वाला एक गैजेट होता है उसको इनहेलर कहते हैं। तो नाजिम जा रहा है, यहाँ पर कैप टाउन हम लोग कह रहे हैं जितने फ्रेंड हैं सब लोग कैप टाउन जाओ, कैप टाउन जाकर हमको रिवाइव कर दो। तो ये जा रहा है कैप टाउन हम लोग को रिवाइव करने। अरे यहाँ पर ब्राइटनेस कैसे बढ़ गई दादा, कभी ब्राइटनेस ज़ीरो हो जाती कभी तेज़ हो जाती, पता नहीं क्या हो रहा है गेम में। ये ग्लिच को सुधारना होगा फ्री फायर को, फ्री फायर ग्लिच सुधारता नहीं है। देखो फिर डाउन हो गई, कहीं धूप वूप आ रही है फ्री फायर में, सन तो मुझे दिखता नहीं है। तो अभी ये जा रहा है रिवाइव करने। तो यहाँ पर पहली बात ये है कि अगर ये रिवाइव करने गया तो कहीं कोई बंदा ना आ जाए, और ये दूसरी बात ये है कि ये फ्रेंड जोन के अंदर है, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है, पर चौथी बात ये है कि ये थोड़ा ब्लू एरिया तो यहाँ बंदे हो सकते हैं, पांचवी बात ये है कि हम लोग को रिवाइव करने करने कर रहा है तो थोड़ी देर में हम लोग रिवाइव हो जाएंगे, छठवीं बात ये है कि कहीं कोई रिवाइव कर रहा हो कहीं बंदा ना मार दे, और सातवीं बात ये है कि जो हमारे किंग भैया इनको कोई निपटा रहा है, और अरे आठवीं बात यह है कि निपट चुका है, और नौवीं बात यह है कि फिनिश हो चुका है, और दसवीं बात यह है कि हमारे किंग भैया यहाँ पर गर्दा उड़ा दिए, बहुत सारे बंदे को निपटा दिए। तो देखते हैं किंग भैया हम लोग की मदद कर पाते हैं या फिर नहीं। तो किंग यहाँ पर क्या नाम है, दोनों स्नाइपर चला रहा है, मतलब लॉन्ग रेंज की गन चला रहा है, SKS और प्लाज्मा। ओ यहाँ पर 51 का डैमेज दे दिया किंग ने, और यहाँ पर 89 का, और यहाँ पर 45 का डैमेज दे के इनको निपटा दिया है, मतलब 95 का डैमेज देकर सबको निपटा दिया है। और देखते हैं हम लोग को किसको किसको रिवाइव करते हैं। हेलो मुझे और आलोक को कर दो, आलोक को और मुझे कर दो, हाँ इसने हमको और आलोक को रिवाइव कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर आलोक भाई कह रहे हैं कि नीचे एक बंदा उतर रहा है, मैंने कहा चलो जल्दी से उनको पिस्टल से ही मारते हैं। तो आलोक कह रहा है नीचे भाई बंदा है उसको मारना हम लोग को, हमने कहा ठीक है आ रहे हैं 2 मिनट में। तो यहाँ पर जो किंग के पास है वो बंदा वो पिस्टल से किंग को परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर आलोक जाके उसको मार रहा है। तो नीचे बंदा मैं इसको जल्दी से निपटा देता हूँ, और यहाँ पर 14-15 का डैमेज दे रहा है मैं, और ये इसको कोई नॉक कर दिया है, और सामने बंदा, हाँ सामने बंदा, इसको जल्दी से पिस्टल से मार देता हूँ। अरे 9-8 का डैमेज दे, मुझे नॉक कर दे, नॉक कर दे, नॉक कर दे, आलोक बचा लो, आलोक बचा लो, आलोक बचा दे। आलोक कह रहा है मेरे पास ग्लूबॉल नहीं है तो मैं तुमको नहीं बचाऊंगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आलोक के पास पिस्टल, आलोक कह रहा है मेरे पास कोई गन वन भी नहीं है और मेडी भी नहीं है, मैं कैसे मारूँ उसको। आलोक के पीछे बंदा, आलोक के आगे बंदा, आलोक के पीछे बंदा, आलोक परेशान, आलोक रुक गया। यहाँ पर मैं किंग को सस्पेक्टेस करने लगा, किंग यहाँ पर कोई ऑटो गन ले लिया जिससे बंदों को मार सके, और यहाँ पर आलोक डाउन, और यहाँ पर किंग ने बहुत अच्छा काम करके उस बंदे को निपटा दिया है। तो यहाँ पर आलोक को जो है किंग ने दे दिया है, और यहाँ पर इस बंदे को किंग ने मार दिया है। और देखते हैं यह लोग हमको रिवाइव कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर लोग के पास तो 0 कॉइन है, अब देखते हैं किंग के पास कितने कॉइन है। किंग के पास 500 कॉइन है, देखते हैं किंग हमको रिवाइव करता है कि नहीं। किंग हमको रिवाइव कर दे, राजीव जाए भाड़ में हमको रिवाइव कर दे। हाँ तो यहाँ पर नाजिम जा रहा है वेंडिंग मशीन में हमको रिवाइव करने। तो नाजिम ने हमको रिवाइव कर दिया, हम जाते हैं इन लोग के पास और देखते हैं कोई बंदा है या फिर नहीं। नीचे नीचे बंदा ना हो तो सही रहेगा, क्योंकि हमें जल्दी से लूट करके फिर जाके हम अपना चिकन डिनर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उतरते 4 किल कर लिया था, उसके बाद मेरे अभी किल नहीं हुए, तो मुझको यहाँ पर कम से कम 6-7 किल तो करने ही होंगे। ओए बंदा खड़ा, बंदा खड़ा, बंदा खड़ा, मैं जल्दी जाके हर वाले घर में घुस जाता हूँ, क्योंकि बंदा नहीं तो मुझे मार देगा। पता नहीं बंदा खड़े क्या कर रहा था, मुझे देख नहीं पाया, चलते चलते। तो यहाँ मुझे स्कारल मिल चुकी है, स्कारल जल्दी से उठाता हूँ
और लोग कह रहा कोई गन वन मिली क्या। मैंने कहा ऊपर बंदा खड़ा, कहता उसको खड़ा दे दो, तुम भागो ना तुमको निपटा देगा। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। कह रहा मेडी वेडी तो है नहीं, फालतू तुम लड़ोगे। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ, तो यहाँ पर जल्दी से लूट करके फिर आगे साइड चलते हैं। पीछे बंदे लड़ रहे हैं तो कह रहा लड़ने दो उनको, मेडी वेडी नहीं है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं गन वन लूट के। तो यहाँ पर बस मेरे पास स्कारल ली है और यहाँ पर स्कारल की 60 गोली मिल चुकी है। आगे चलते हैं, कहरा बंदे सामने उतर रहे हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं उनको मारने। तो यहाँ पर सामने एक बंदा उतरा है, ड्रॉप के पास बंदा उतरा है। तो यहाँ मैंने 16, 17, 15 का डैमेज दिया उसको। और ड्रॉप के पास बंदा है और इसके पीछे से भी बंदा आ रहा है, उसको 8, 9, 11 का डैमेज, 13 का डैमेज दिया मैंने। तो यहाँ आलोक के पास जाता हूँ, आलोक की थोड़ी हेल्थ कम है, उसको आलोक दे देता हूँ। कितनी अच्छी बात होगी, आलोक को मैंने आलोक दे दिया, तो भी कोई बात नहीं। चलते हैं आगे सर बंदे मारने। तो आलोक कह जल्दी से आ मेरे पास बंदे हैं। मैंने कहा चल चल जल्दी चल, मैं रस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं चलो कवर दे रहा हूँ तुमको। तो यहाँ पर आलोक जा रहा है इन बंदों को मारने। तो आलोक तो डैमेज कैसे, अच्छा कूदनेस डैमेज पड़ा, मुझको भी पड़ गया थोड़ा सा डैमेज। तो आलोक जा रहा बंदों को मारने और आलोक अपनी रेजर लाइट वाली गन निकाल के इनको सबको मार दिया है। और इसके पास जल्दी से इसको ग्लू वॉल लेवल 3 का बैग, गन वन, ड्रैगनो, ट्रीटमेंट गन, ये सब मैं उठा लिया हूँ। तो यहाँ पर मुझे स्कारल मिल गई। स्कारल क्लोज रेंज की अच्छी गन नहीं होती। और अरे नीचे कैसे, मुझे ऊपर जाना ड्रॉप में, देखना कुछ 4 लेवल की वेस्ट मिल जाए। और यहाँ स्कोप मिला है 4 लेवल की वेस्ट मिली, पर एकदम डैमेज है। एक काम करते हो, इसको जल्दी से उठाता हूँ, फिर नीचे से जाके इसको रिपेयर कर लूँगा। तो यहाँ 4 लेवल की वेस्ट मैंने उठा ली है, और नीचे जाके मैं 4 लेवल की वेस्ट को रिपेयर कर लूँगा। तो नीचे चलते हैं, इसको जल्दी से रिपेयर करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं कोई 20 बंदे बचे हैं। 20 में से को मैं 3-4 किल तो कर ही लूँ, क्योंकि मेरे 4 किल हैं। जब उतरा था तभी 4 किल किया था, उसके बाद से मैंने किल नहीं किए एक भी। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आगे चलते हैं हम लोग। और हम यहाँ पर किंग के पास चलते हैं जल्दी से। इस ड्रॉप में भी देख लेते हैं, कुछ अच्छा मिले तो सही है। देखते हैं क्या है इस ड्रॉप में। इस ड्रॉप में मुझे वो मिल चुकी है, क्या नाम है, सुपर मेडिकेट, जिससे मैं क्या नाम है अपनी मेडी लगा सकता हूँ। मेरे पास एक भी मेडिकेट नहीं थी, तो मुझे सुपर मेडिकेट मिल गई। अंदर जाके मैं यहाँ पर M60 3 लेवल वाले ले लेता हूँ। पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट वो मार लेता हूँ सुपर मेडिकेट, और आगे से गोली वोली उठा लेते हैं। और आगे जाके मैं वो ले लेता हूँ अपनी क्या फ्री फायर की गन है M16। तो इसको जल्दी से उठाते हैं और आगे चलते हैं हम। यहाँ पर नाजिम और 4 नंबर रिवाइव हो गए, आलोक भाई ने रिवाइव कर दिया था यहाँ पास। तो पीछे से मुझे एक बंदा मार रहा है, पीछे ग्लू वॉल लगा के इसको जल्दी से निपटा देता हूँ। ये रहा बंदा, इसको जल्दी से मारते हैं। तो यहाँ पर 50-70 का डैमेज हुआ है। पीछे भी एक बंदा, इसको जल्दी से ड्रैगनो का शॉट मारते हैं। अरे इसके तो पीछे साइड पड़ रहा है, तो इसके लग नहीं रही, इसके हेड में मारता हूँ। अरे 96 का डैमेज दिया। यहाँ पर किंग उतरा इस बंदे के पास, किंग कह रहा मैं मार दूंगा पिस्टल से। मैंने कहा ठीक है मार दे पहले। तो यहाँ पर जो किंग है उसने यहाँ पर पिस्टल से मार दिया, बड़ा ही प्रो बंदा है, पिस्टल से मार दिया एक रियल बंदे को। तो यहाँ पर इसके एक का हेलमेट है, तो मैं 3 का फेंक के 1 का ले लिया। सामने बंदे 26 का डैमेज दिया मैंने। और यहाँ पर वेस्ट लगा के सामने बंदा, और यहाँ पर वो ग्लू वॉल लगा लिया। और एक और बंदा, इसके लिए मारते हैं। और सामने यहाँ पर आलोक ने ग्लू वॉल लगा ली। यहाँ पर किंग निपट चुका है, मुझे यहाँ पर इसको नॉक करना है। और यहाँ पर मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया। आगे एक बंदा, इसको जल्दी से मारते हैं। यहाँ पर ग्लू बॉल पीछे बंदा, और मैं इसको मारा। अरे नॉक हो गया, नॉक हो गया। आलोक मचा ले, आलोक आलोक जल्दी जल्दी। अरे आज सब लोग निपट गए, देखते हैं इस गेम में हमारी कितनी प्लस हुई थी। तो यहाँ पर इस बंदे को लाइक करके बैक कर देते, क्योंकि भाई इतने अच्छा खेल रहा था, अभी तो हम लोग को मारा, तो इसको लाइक कर दिए। यहाँ पर हमारी 54 प्लस हुई है हीरोइक में। अगर आपको ट्रिक जाननी है सबसे ज़्यादा प्लस कैसे करें अपने हीरोइक में, तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय यारो।